को निःशुल्क दिया जाएगा। हम चाहते हैं जातिवार जनगणना कराई जाए, हम चाहते हैं गरीब कल्याण कार्ड लागू किया जाए, हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार है नौजवान उनको मतदाता पेंशन लागू किया जाए, 5,000 रुपया मतदाता पेंशन उनको दिया जाए। अगर शराब बंद कर दिया जाए तो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है, उसके भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि EWS गरीब सामान्य का योगी जी ने दे दिया, ले जाओ। बताओ जिसकी लूट हत्या बलात्कार किसी सरकार में बढ़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अभी बधाई हूं आप लोगों ने देखा 2 मासूम बच्चों को निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। उनका ये देख रही है कि हम लोगों का मान सम्मान कहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चों की शिक्षा कहाँ सुरक्षित है, रोजगार कहाँ सुरक्षित है, महंगाई को कैसे अंकुश में लाया जाए। मार में आए, यही मोदी जी कहते थे 2014 के पहले जब बुरे दिन वाली सरकार थी, उन्होंने कहा था कि मैं अच्छे दिन ले आऊँगा। अच्छे दिन का लालच देकर केंद्र में सरकार बना लिया। प्राथमिक स्कूलों में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ने जाएगा तो उसको कैसे कबूतर पढ़ाया जाता है, और कॉन्वेंट स्कूल में जो अमीर का बच्चा पढ़ता है उसे कैसे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, तो मिलता था आज 1200 रुपया में मिल रहा है, क्योंकि अच्छे दिन वाली सरकार है। जो अरहर की दाल 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलती थी बुरे दिन वाली सरकार में, आज 200 रुपया किलो मिल रही है। जो गरीब 2 रुपये का किलो नमक खरीदता था आज वो 28 रुपया में खरीद रहा है। जो आप 14 रुपया 15 रुपये किलो आटा खरीदते थे जब 30 रुपये 32 रुपये किलो खरीद रहे हैं। गठबंधन में सरकार बनी प्रदेश में जो हमारी विचारधारा से सहमत हुआ, तो ये जान लीजिए कि 10,000 रुपया नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता भागीदारी पार्टी देगी।